कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को राजघाट पर उपवास रखने के बाद केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज देश में जो माहौल पैदा किया गया है वह बीजेपी की विचारधारा के कारण है। राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की विचारधारा देश को बांटने की है और दलितों को कुचलने की। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी दलित विरोधी है, हम उन्हें 2019 में हरा कर दिखाएंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाकर उसके खिलाफ यह उपवास रखा है। उपवास के बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा कि बीजेपी की विचारधारा आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को भी कुचलने की है, हम बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ यहां खड़े हैं और जिंदगी भर खड़े रहेंगे, हम उनको 2019 में लोकसभा चुनाव में हरा कर दिखाएंगे। वहीं राहुल गांधी के उपवास पर उस समय विवाद हो गया जब कांग्रेस अध्यक्ष के साथ राजघाट पर पहुंचे कुछ पार्टी नेताओं की छोले भटूरे खाते हुए सुबह की तस्वीरें सामने आ गई। हालांकि राहुल ने इस पर कुछ नहीं बोला। यह पूछे जाने पर कि बीजेपी के दलित सांसद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा कि वे बीजेपी के सांसद हमें बताते हैं कि मोदी जी दलित विरोधी हैं, वे दलितों का हित नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी दलित विरोधी हैं, अब यह छुपा हुआ नहीं है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उपवास कर रहे हैं एक सोच के खिलाफ। कुछ दिन पहले बीजेपी के नेता ने कहा कि विपक्ष के लोग जानवर, सच्चाई है कि आज हर व्यक्ति हिंदुस्तान में सरकार के विपक्ष में खड़ा है। जो दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ, किसानों के खिलाफ इस सरकार की अप्रोच है, उसके खिलाफ हम खड़े हैं। और देश इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में हिंसा फैलाने का काम, घृणा फैलाने का काम करे, और हम इस विचारधारा के खिलाफ यहां खड़े हैं। आप एक दिन और जो आपको मीडिया को दबाया जा रहा है, आपको डराया जा रहा है, आप उस साइड खड़े हो, मगर सचमुच में आप भी हमारे साइड इस साइड खड़े हो क्योंकि हम आपकी भी रक्षा कर रहे हैं, ये भी आप मत भूलो। और आप मुस्कुरा रहे हो, मैं जानता हूं, मगर हम आपके लिए भी लड़ रहे हैं कि इस देश में हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति के जो दिल में हो, जो वो बोलना चाहे, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, उसकी हम यहाँ रक्षा कर रहे हैं। देश में जो एटमोस्फेयर क्रिएट किया गया है वो बीजेपी की विचारधारा के कारण किया गया है। बीजेपी की विचारधारा देश को बांटने की है, दलितों को कुचलने की है, आदिवासियों को कुचलने की है, माइनॉरिटीज को कुचलने की है, तो उसके खिलाफ, बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हम यहाँ खड़े हैं। और हम आज नहीं खड़े हैं, हम पूरी जिंदगी भर खड़े रहेंगे और इनको हम 2019 में हरा के दिखाएंगे। बीजेपी के दलित एमपी मोदी जी को चिट्ठी लिख रहे हैं, पार्लियामेंट में आप उनसे बात करें, वो हमें भी बताते हैं कि मोदी जी कास्टलिस्ट व्यक्ति हैं, मोदी जी एंटी दलित व्यक्ति हैं, मोदी जी के दिल में दलितों के लिए कोई जगह नहीं है, वो पूरा देश जानता है, ये कोई सीक्रेट नहीं, तो ये तो क्लियर है। धन्यवाद। दरअसल राहुल के उपवास पर बैठने से पहले जहां सिख दंगों में आरोपी कांग्रेस नेताओं जगदीश टाइटलर और सज्जन सिंह को वापस लौटाया गया, वहीं इसके बाद एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो कांग्रेस के लिए उपहास की वजह बन गई। इस तस्वीर में कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह, लवली, हारून यूसुफ छोले भटूरे खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेज पर अजय माकन और बाकी कांग्रेसी नेता भी मौजूद हैं। जिस प्रकार का मजाक कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने राजघाट से किया है, हमारा स्पष्ट मानना है कि सबसे अधिक कष्ट किसी को हुआ होगा तो राजघाट में। जिस प्रकार का छलावा किया कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्याग्रह की नीति को छलनी करके रख दिया है। सत्याग्रह का कितना बड़ा अर्थ होता है? सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए लड़ना, उसके लिए कष्ट सहना और एक आंदोलन के स्वरूप को जन्म देना। मगर यहां कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? आज हम सुबह से मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार के फोटो देख रहे हैं,
छोले भटूरे खाने के पश्चात उपवास, ये घृणक काम है, यह मजाक है। आपने दलितों के साथ, आपने किसानों के साथ, आपने गरीबों के साथ जिस प्रकार का मजाक किया है, उसके लिए देश आपको माफ नहीं करेगा।